असलम डियर लर्नर्स एंड वेलकम इन द वीडियो बात हो रही है ग्रोथ डिसीजंस की आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो कर रहा हो तो पार्ट वन में हमने बात की थी कि अगर आपने अपना बिजनेस को ग्रो करना है तो तीन कॉन्सिडरेशन तो बहुत अहम है नंबर वन आप जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं उस इंडस्ट्री का जो लाइफ साइकिल है यानी वो इंडस्ट्री अपने लाइफ साइकिल के किस स्टेज पे खड़ी है क्या वो ग्रोथ पे है क्या वो इंट्रोडक्शन पर है क्या वो मेचोरिटी पर है क्या वो डिक्लाइन पर है लाइक वाइज जो आपकी प्रोडक्ट है अगर आप उसको ज़्यादा एक्सपैंड करना चाह रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहाँ है आपकी प्रोडक्ट न्यूली मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई है या आपकी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड काफ़ी प्रोडक्ट्स मार्केट्स में अभी फ़िलहाल आ रही हैं या आप जैसी प्रोडक्ट्स मार्केट में सभी ऑफर कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मार्केट में गिर रही है आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है और आपके पास रिसोर्सिस क्या हैं जो कि आपको फैसिलिटेट करेंगे इन यू नो ग्रोथ स्टेज जिसमें हमने आपसे बात की थी कि आपके इंट्यूशन आपकी नॉलेज आपकी फाइनेंस आपकी टीम आपकी आर एंड डी ये सारे के सारे मल्टीपल रिसोर्स आपके पास हैं और होने भी चाहिए बिकॉज यू आर गोइंग टू ग्रो योर बिजनेस बिजनेस ग्रोथ के अंदर एक और अहम चीज़ जो कि इसी वीडियो का एजेंडा है दैट इज़ अबाउट द एक्विजिशन एंड मर्जर्स बहुत से uh, जब आप बिजनेस को अपना ग्रो करना चाह रहे होते हैं तो आप एक्विजिशन और मर्जर्स की तरफ भी जा रहे होते हैं हाँ छोटे बिजनेस की एक्विजिशन और मर्जर इतनी टेक्निकल शायद ना हो लार्ज कॉपरेशन की होती हैं बट अगेन ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं एक इंफॉर्मेशन आपके पास आ सकती है कि आप एक्विजिशन और मर्जर्स की तरफ जा सकते हैं अच्छा सबसे पहले अगेन आपको लेकर जाते हैं इन्वेस्टोपीडिया डॉट कॉम पर कि किस तरह वो मर्जर और एक्विजिशन को डिफाइन करते हैं इन्वेस्टोपीडिया डॉट कॉम डिफाइन करते हैं कि मर्जर एंड एक्विजिशन इज़ अ जर्नल टर्म यूज़ टू डिस्क्राइब दी कंसॉडेशन ऑफ कंपनीज और एसेट्स थ्रू वेरियस टाइप ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग मर्जर्स एक्विजेशन कंसॉलिडेशन टेंडर ऑफर परचेज ऑफ एसेट्स एंड मैनेजमेंट एक्विजेशन यानी आप किसी बिजनेस को या तो एक्वायर कर रहे होंगे या किसी के साथ मिल रहे होंगे और उनकी बेसिस क्या होंगी फाइनेंशियल या टेंडर बेस्ड या मैनेजमेंट टीम बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें आप या तो किसी को एक्वायर कर रहे हैं या अपनी पूरी कंपनी हवाले कर रहे हैं या किसी के साथ मर्जर कर रहे हैं एक्विजिशन और मर्जर को अलग अलग जरा देख लेते हैं पहले हम देख लेते हैं एक्विजिशन को अगेन इन्वेस्ट डॉट कॉम की डेफिनेशन एक्विजिशन की क्या है इन एन एक्विजिशन वन कंपनी परचेज द अदर आउट राइट यानी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को मुकम्मल तौर पे खरीद लिया है दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन दी एकड फॉर्म डज नॉट चेंज इट्स लीगल नेम और स्ट्रक्चर बट इट इज़ ओन्ड बाई द न्यू पेरेंट कंपनी सो बाजात ऐसा होता है कि आपने कोई बिजनेस खरीदा है एकवायर किया है तो आप उस बिजनेस का ब्रांड उसकी आंटिटी को वैसे ही रहने देते हैं बट अगेन ओनरशिप चेंज हो जाती है ठीक है आपने बहुत से टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैं उसमें रिसेंटली कुछ एक्विजिशन हुई हैं आपने देखा होगा के दोनों सेम मार्केट्स में डील कर रहे थे बट एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया उसके ब्रांड में उसके लीगल स्टेटस में उसकी टीम में कोई वो चेंज नहीं लेकर आए बट जो पेरेंट कंपनी है उसकी वो चेंज हो गई है दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन सो इफ यू वॉन्ट टू एक्सपैंड योर बिजनेस देन वाई नॉट एक्विजिशन आप जाएं और जाके या तो अपना बिजनेस किसी को बेच सकते हैं या फिर कोई कंपनी जो है वो पूरी की पूरी एक्वायर कर सकते हैं अब आ जाते हैं मर्जर्स की तरफ ठीक है आप किसी के साथ मर्जर भी कर सकते हैं मर्जर क्या है एज पर इन्टलीगल नेम यानी दो कंपनीज आपस में एक दूसरे के साथ मर्जर करेंगी और वो मर्जर किसी ना किसी एक कॉरपोरेट ब्रांड नेम के नीचे होगा किसी ना किसी एक ब्रांड नेम के नीचे होगा और वो कंपनीज मल्टीपल टाइप्स ऑफ मर्जर कर सकती है यानी आपके पास मल्टीपल टाइप्स हैं कि आप मर्जर कर सकते हैं किसी भी दूसरे ऑनटरप्रोर के साथ कौन कौन से हैं मिसाल के तौर पे एक हॉरिजॉन्टल मर्जर होता है अच्छा हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है हॉरिजॉन्टल मर्जर में दोनों ऑनटरप्रोर दे आर द डायरेक्ट कंपेटिटर्स वो एक दूसरे के कंपेटिटर्स होते हैं वो सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे होते हैं सेम मार्केट में डील कर रहे होते हैं So, बाज मार्केट में एक मेनोपली क्रिएट करने के लिए वो एक दूसरे के साथ मर्जर करते हैं और वो ये कहते हैं कि लेट्स कैप्चर द बिगर मार्केट शेयर पर्पस कुछ भी हो ठीक है सो यू कैन गो फॉर हॉरिजेंटल मर्जर वेयर टू बिजनेसिस आर इन द डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद द सेम प्रोडक्ट लाइन एंड सेम मार्केट दे कैन गो फॉर अ मर्जर एक होता है वर्टिकल मर्जर वो भी आप बिंग एन ऑनटरप्रोर कर सकते हैं वर्टिकल मर्जर होता है कि टू कंपनीज हु आर सप्लायर टू ईच अदर दे कैन गो फॉर अ मर्जर जिसको हम यूं बात कर सकते हैं एग्जाम्पल जो अक्सर दी जाती है कि आप कौन बना रहे हैं और समबडी एल्स इज सेलिंग एन आइसक्रीम तो वाई नॉट कि आप जो कौन बना रहे हैं आन द अदर पर्सन हु इज सेलिंग एन आइसक्रीम आप दोनों आप इसमें एक ही कंपनी बना लें और आप आइसक्रीम बेचना शुरू कर लें कौन आइसक्रीम बेचना शुरू कर लें तो दिस इज बेसिकली दर्टिकल मर्जर फिर हम बात करते हैं कॉन्जनैरिक मर्जर के अच्छा कॉन्जनैरिक मर्जर क्या है दो बिज़नेसेस हैं दो बिज़नेसेस सेम कंज्यूमर बेस को सर्व कर रहे हैं बट इन अ वेरी डिफरेंट वे मिसाल क्या दी जाती है मिसाल के तौर पर एक टेलीविजन बेचता है और दूसरा लेटेस्ट सपोज केबल नेटवर्क बेचता है so, सो बाज ऐसा होता है ना आप ही कहते हैं कि आप ये टेलीविजन लें तो आपको uh, जो है एक सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री मिल जाएगी नेटफ्लिक्स की इतने महीनों के लिए सो बेसिकली द पर्सन हु इज़ बाइंग द टेलीविज़न ही इज़ गोइंग टू वॉच द टेलीविजन अगेन एंड नेटफ्लिक्स इज द वन हु इज़ सेलिंग द कॉन्टेंट ऑन द टेलीविजन सो आप एक मर्जर कर लेते हैं और आप ये ऑफर करते हैं कि जी, अगर आप ये जो कंपनी है इससे बाय करेंगे तो आपको इतने अर्से के लिए सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगी कस्टमर बेस एक ही है बट दे कैन ऑल्सो गो फॉर अ मर्जर फिर हम बात करते हैं मार्केट एक्सटेंशन मर्जर अगर आप मार्केट को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं और आपका एक ऑन्टरप्रीन्योर किसी और मार्केट को डील कर रहा है आपका दूसरा ऑन्टरप्रीन्योर किसी और मार्केट को डील कर रहा है विद द सेम प्रोडक्ट तो आप कहते हैं कि वाइन नॉट कि तुम तो मेरी प्रोडक्ट भी अपने मार्केट में ले आओ और तुम्हारी प्रोडक्ट में अपनी मार्केट में ले आओ सो इट कुड बी अ मार्केट एक्सटेंशन मर्जर एज वेल इसी तरह प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर भी हो सकता है ए दो कंपनीज जो दो मुख्तलित तरह की चीज़ें बेच रही हैं और मार्केट उनके रिलेटेड है सो दे कैन यानी कि टू बिजनेस सेल इन द डिफरेंट बट रिलेटेड प्रोडक्ट्स इन द सेम मार्केट दे कैन गो फॉर अ मर्जर एज वेल जिसको हम प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर कहते हैं और जो आखिरी मर्जर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज दो बिजनेस आपसे मर्जर करते हैं और दोनों बिजनेसिस की ना कोई कॉमन मार्केट होती है ना कोई कॉमन ब्रांड होता है ना कोई कॉमन बेसलाइन होती है ना कोई कॉमन प्रोडक्ट होती है बट स्टिल दे कैन गो इन टू द मर्जर अच्छा ऐसा मर्जर देखने में आपको आया होगा बाजूत आप किसी एक फर्नीचर की शॉप में जाते हैं और आप उस फर्नीचर को बाय करने लगते हैं और पता चलता है कि उस फर्नीचर के अंदर जो भी ब्रांड पड़ा हुआ है उसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है बेसिकली वो कोई बेकरी ब्रांड है यानी कि वो ब्रांड पहले बेकरी आइटम्स में डील कर रहा था सो दे आर बोथ आर वेरी अनरिलेटेड बट स्टिल देवेंट इन टू द मर्जर सो अगेन आपके पास मल्टीपल टाइप्स हैं आप किस तरह का मर्जर चाहते हैं इनिशियली एक्विजिशन और मर्जर्स ये अगेन दोनों के दोनों ग्रोथ स्टेज uh, के इश्यूज़ हैं uh, आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं अपने ग्रोइंग नीड्स के साथ इट्स अप टू यू एंड अप टू योर बिजनेस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो